इस मूवी में एक लड़का होता है जो कि अपने घर की सभी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है व्हाई एवरी ट्रेंड्स वुमेन वांट। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़का होता है जिसका नाम रोजर है। रोजर अपने समर वेकेशन के लिए घर पर आया होता है, जिसे लेने के लिए रोजर की माँ अपनी मेड लपीते को भेजती है। लपीते घोड़ा गाड़ी चलाती है और घोड़ा गाड़ी चलते चलते लपीते के पपीते उछलने लगते हैं, जिसको देखकर रोजर का छोटा चेतन जागता है और बाहर आने की कोशिश करता है। इसे देखकर लपीते भी समझ जाती है कि इसे ये पपीते बहुत पसंद हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलती और घर आ जाते हैं दोनों। घर आने पर रोजर का सभी लोग वेलकम करते हैं। तभी रोजर की माँ की नज़र रोजर की पैंट पर जाती है। वह पूछती है उसकी पैंट पर ये सफ़ेद रबड़ी कहाँ से आई। तो मैं आपको बता दूं कि जब रास्ते में लपीते के पपीते हिल रहे थे तो रोजर के छोटे चेतन ने अपना जवाब दे दिया था। तभी उसके पास खड़ी मौसी बोलती है कि ऐसा तो होता रहता है, और वह अपने हाथों से रबड़ी को साफ करती है। इसके बाद वह अपनी छोटी बहन से भी मिलता है। रोजर की बहन उसे गार्डन में घुमाने ले जाती है। वहाँ उसे लपीते मिलती है। लपीते को बहुत जोर से टॉयलेट आता है और वह रोजर के सामने ही अपना पिछवाड़ा खोल देती है। यह सब देखकर रोजर वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद रोजर झाड़ी से कुछ आवाज़ सुनता है, तो वहाँ वो देखता है कि एक लड़की हंसने की आवाज़ कर रही है, जो कि उसके घर की मेड है, जो कि किसी के साथ जंगल में मंगल कर रही है। वह रोजर को देख के हंसती है और रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब शाम को जब रोजर देखता है कि जैसे ही वह सोने जा रहा है तो बाहर से कुछ बर्तनों की खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ एक मेड को पीछे से कोई पेल रहा था और इस मेड का नाम एलिस होता है। यह सब करवाने के बाद एलिस कपड़ों को सही करके चली जाती है। रोजर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। कैसे भी करके वह भी अपनी हवस पर काबू करता है और सोने चला जाता है। उसके बाद उसके बेड पर उसकी बहन मिलती है, जो कि उसको बताती है कि उसकी मौसी वर्जन है। जब रोजर उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो बताती है कि मौसी को पुरुषों से डर लगता है। दूसरा दिन स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि घर की सभी मैड एक तालाब पर नहा रही है और अपने सीक्रेट शेयर कर रही है। रोजर और उसकी बहन दोनों उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अब थोड़ी देर में वहाँ से तीन लोग गुजरते हैं। ये तीनों लोग रोजर के घर में काम करने वाले नौकर होते हैं, जो कि मैड को तालाब में नहाता देख तीनों के तीनों उनके सामने सुसु कर देते हैं। उनमें से एक मेड खड़ी होती है और वह भी उनकी तरफ अपने स्कर्ट उतारकर सुसु कर देती है। रोज और उसकी बहन यह सब देख रहे थे और हंस रहे थे। अब की बार स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें उसकी बहन को दिखाया जाता है, जो कि अपने पापा के साथ घर आती है, जिसका नाम अलीसा था। अलीसा सबसे मिलती है, लेकिन वह अपने भाई से सिर्फ हाय कह के ही अंदर चली जाती है। भाई सोचता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। रोजर और उसकी छोटी बहन एक चर्च में दिखाई देते हैं, जहाँ भी पादरी और उसकी मौसी की बात सुन रहे थे। उसकी मौसी बोलती है कि मैंने एक पाप किया है, जब से रोजर घर आया है उसके प्यार में मैं पागल हो चुकी हूँ, और कई बार तो मुझे ऐसे सपने आते हैं कि उसके साथ में घपाघप कर रही हूँ। रोजर सोचता है कि चलो कोई तो है जो मेरे बारे में इतना सोचता है या जिसे मैं पेल सकता हूँ, नहीं तो बाकी सभी नौकरों से ही पिलवा रहे हैं। इस दौरान रोजर उनके सामने ही गिर जाता है, क्योंकि वह बहुत एक्साइटेड मैन था। उन दोनों को पता चल जाता है कि रोजर ने सब बातें सुन ली हैं। अब वे दोनों उसे उसकी माँ के पास ले जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। जब रोजर की माँ पादरी से पूछती है कि इसके लिए क्या सजा हो सकती है, पादरी कहता है इसके पिछवाड़े को पीट पीट कर लाल कर दिया जाए, यही इसकी सजा सबसे अच्छी होगी। अब रोजर की माँ मार्गरेट, जो कि उसकी मौसी है, को बोलती है उसके पिछवाड़े को लाल करने के लिए, लेकिन वह मना कर देती है। पर ज़्यादा फोर्स करने पर वह उसके पिछवाड़े को पीट पीट कर डंडे से लाल कर देती है।
सी जज होता है और अब रोजर अपने बेड पर सो रहा है कि तभी उसे बाहर से बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। रोजर जल्दी से जाकर देखता है कि घर की जो बेड है एलन को कोई पीछे से ठोक रहा है। रोजर बड़ा कर्फ्यूज होता है और सोचता है कि ऐसा कौन है जो अपना काम करके गायब हो जाता है। तभी वहाँ उर्सुला आती है जो कि एक बेड है, जो बोलती है कि आज की ठुकाई से तुम्हारा पिछवाड़ा दर्द कर रहा होगा, चलो थोड़ी बाम लगा देती हूँ। लेकिन रोजर मना करता है, लेकिन साथ ही रोजर पूछता है कि कोई है जो एलन को रोज पीछे से बजाता है, लेकिन उस महापुरुष के बारे में उसे पता नहीं चल रहा है। उर्सुला बताती है यह हमारे सभी बेड की टॉप सीक्रेट है। अब रोजर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी से ठुकवा रहा है और अपने अच्छे दिन कब आएंगे। रोजर छत पर जाता है जहाँ वह फ्रैंक से बातें करने की कोशिश करता है, जो कि फ्रैंक है वह दूरबीन में देखते हुए अपने नीचे हाथ डाल रहा था, लेकिन रोजर को देख वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रोजर को वहाँ एक किताब मिल जाती है। वह वहाँ से सोने जा रहा था कि देखता है कि उसके पेरेंट्स एक कमरे के चीखने की आवाज़ आ रही है। जब वह हॉल से देखता है तो उसकी माँ की अनबॉक्सिंग उसके पिता कर रहे थे। उसे ऐसा करते देख एलिसा का वगैतर देख लेता है और दिखाया जाता है कि रोजर एक घोड़े के अस्तबल में जाकर किताब पढ़ता है और अपने घोड़ा गाड़ी भी चलाने लगता है। तभी वहाँ पर एक नौकर आ जाता है और वह डर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक मेड भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डाल रही थी। तभी वह नौकर उसको फंसा देता है और पीछे जाकर उसका गेम बजाने लगता है। वह चिल्लाती है और वहाँ पर रोजर को देखकर उससे हेल्प मांगती है। रोजर जैसे ही उसके पास जाता है हेल्प करने के लिए तो वह बना कर देती है और थोड़ा रुक कर हेल्प करने की कहती है। रोजर समझ जाता है कि यहाँ सभी अपना अपना गेम बजवा रहे हैं, साला अपना दिन कब आएगा। रोजर और घर जाता है। जब उसकी बड़ी बहन और उसके वगैतर बैठे रहते हैं तो उसका वगैतर रोजर से अपने जूते साफ करने के लिए कहता है, लेकिन रोजर मना कर देता है। यह बात उसके वगैतर को बुरी लगती है और वह उस रात की सभी बात को रोजर की माँ को बोल देता है। तब रोजर की माँ कहती है कि मेरे सभी बच्चे अच्छे हैं, पर साला ये पता नहीं जॉनी सिंस कहाँ से आ गया। यहाँ भी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि रोजर किचन में जाता है जहाँ पर उर्सुला काम कर रही थी। रोजर पीछे से जाकर उसका तबला बजाने की सोचता है, लेकिन तभी उर्सुला समझ जाती है कि कोई नौकर है और वह उसे घायल कर देती है। तब उर्सुला को पता चलता है कि यह तो अपना छोटा जॉनी सिंस है, तो वह उसे यह सब करने के लिए यहाँ कर देती है। दोनों अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले ही होते हैं कि वहाँ पर दूसरी भीड़ आ जाती है और रोजर वहाँ से भाग जाता है। रोजर भाग तो गया था, लेकिन अब उसे चरम काम सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है और वह चाहता है किसी न किसी को तो गपागप करके ही मानेगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कोई कुछ करने दे या ना करने दे, लेकिन लपीते उसको अपने पपीते जरूर निकलाएंगे, और वह लपीते का पीछा करने लग जाता है। थोड़ी देर में रोजर लपीते को कहीं जाते हुए देखता है और उसको पकड़ के उसकी सुरंग में खुदाई करने लगता है। कुछ देर पहले जो लपीते उससे मना कर रही थी उसको भी सुख प्राप्त होता है और लपीते भी उसको अपनी सुरंग में खुदाई करने के साथ अपने पपीते भी दे देती है। अब दूसरे दिन न्यूज से पता चलता है कि जर्मनी में जंग छिड़ गई है और घर के सभी पुरुष जंग में जाना चाहते हैं, इसीलिए सभी पुरुष शाम को पार्टी करते हैं। जब रोजर को पता चलता है कि घर के सभी सदस्य जंग में जाने वाले हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी लॉटरी लगने वाली है। लेकिन जर्मन में एक रिवाज है कि जंग में जाने से पहले सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेकर जंगल में मंगल करने जाते हैं। यहाँ भी रोजर सभी का पीछा करता है और गपागप को देखता है और वह सोचता है कि सालो आज तो गपागप कर लो, कल से तो इन सबका मैं बैंड में ही बजाऊंगा। अब सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं। अब तो मानो रोजर की लॉटरी लग गई। सबसे पहले रोजर उर्सुला के पास जाता है और उसकी बारिश का मजा लेता है और दवा के खपाखप करता है। अब दूसरा दिन स्टार्ट होता है। शाम होते ही रोजर दूसरी भीड़ के पास जाता है
और घपाघप करता है। यहाँ से थोड़ा सी चेंज होता है जहाँ तालाब के पास एक भेड़ को बेटा दिखाई दिया जाता है जो कि नहा रही थी। तभी उसका नाम कैट था। तभी वहाँ पे रोजर एक मगरमच्छ की तरह आता है और भूखे मगरमच्छ की तरह उस पर टूट पड़ता है और घपाघप करता है। अब तो रोजर सोचता है कि अपने तो मजे हो गए। रोजर एक एक करके घर में सभी औरतों को लेता है। शाम को वो अपनी मौसी मार्गरेट की बेड पर जाता है और आराम से सोता है। तभी उसकी मौसी मार्गरेट आती है। मार्गरेट रोजर को देखकर डर जाती है, लेकिन तभी रोजर बताता है कि वह आपकी वर्जिनिटी को तोड़ने में मदद करेगा। पहले मार्गरेट मना करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मार्गरेट भूखी शेरनी की तरह उस बेचारे छोटे जॉनी सिंस पर टूट पड़ती है और गपागप स्टार्ट हो जाती है। अब उसकी नौकरानी हेलन को दिखाया जाता है जो कि आज बर्तन लेकर आ रही थी, लेकिन बर्तन हिल नहीं रहे थे क्योंकि सभी मर्द जग में जा चुके थे। तभी वह रोजर के रूम में आती है और उसको चाय देती है और वहां से जाने लगती है कि तभी रोजर भूखे भेड़िए की तरह उसे पीछे से पकड़ता है और उसका गेम बजा देता है। हेलन को भी चरम सुख की प्राप्ति होती है और वह इस मजे से संतुष्ट हो जाती है। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि रोजर की बड़ी बहन अलीसा घोड़े पर घूम रही है। रोजर उसका पीछा करता है और अस्तबल में जाकर उसको पकड़ लेता है। अलीसा पहले उससे मना करती है, लेकिन रोजर का छोटा चेतना भरी रॉकेट डालने को बेताब होता है और ये सब देख वो भी घपाघप के लिए तैयार हो जाती है। अब तो रोजर के मजे ही मजे हो गए थे क्योंकि रोजर के पास एक एक करके सभी भेड़ आती थी और कभी कभी तो रोजर तीन तीन को एक साथ पेल देता था। दूसरा दिन दिखाया जाता है जिसमें एलिसा रोजर को कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद नौकरानी मार्गरेट भी उसके पास आती है और वो भी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसकी मौसी उसके पास आती है और उसको बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचता है कि साला अपना छोटा चेतन तो इतना बड़ा कमाल कर दिया, सभी को डबल कर दिया। रोजर सोचता है कि इसके बारे में अब सबको पता चल जाएगा, लेकिन वे सभी औरतें जंग से लौटे पुरुषों के साथ शादी कर लेती हैं, जिससे रोजर बच जाता है और उन पुरुषों को एक बुकिंग की गई प्रेग्नेंट बीवियां मिल जाती हैं और इस प्रकार ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको आगे ऐसी इंटरटेनमेंट की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट।